कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने रतलाम जिले के आलोट सिविल अस्पताल में नव निर्मित आईसीयू वार्ड, डिजिटल एक्सरे तथा लैब का लोकार्पण किया। जिले के भ्रमण पर आए राज्यपाल गहलोत का ताल आलोट क्षेत्र में भव्य स्वागत अभिनंदन नागरिकों द्वारा किया गया। स्थान स्थान पर स्वागत मंच लगाए गए। इस दौरान कृषि उपज मंडी आलोट में गहलोत का आलोट के विभिन्न सामाजिक संगठनों संस्थाओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रमों में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रतलाम शहर चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉक्टर राजेंद्र पांडे, विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के बाशिंदों का मुझे सदैव स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो मेरे लिए अमूल्य निधि है। यह ऋण सदैव स्मरण में रहता है। क्षेत्र के विकास के लिए सदा तत्पर रहा हूँ और आगे भी तत्पर रहूंगा। निश्चित रूप से आलोट वासियों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इस ऋण को उतारने का निरंतर प्रयास करूंगा। भले ही मैं कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बना हूं, परंतु इस क्षेत्र के लोग, रतलाम जिले और उज्जैन जिले कहीं के भी लोग, मुझे जो भी सुझाव देंगे, मेरे से कोई अपेक्षा करेंगे, तो मैं हर काम को जो जनता के हित में है, देश के हित में है, पूरी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से पूरा करूंगा। इस प्रकार का आश्वासन आपको देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं, समिति का आभार व्यक्त करता हूं।